चंदन जी, यस सर, अपनी मांगों को लेकर आप लोगों ने काला बिला लगाया जी, हड़ताल पे जाने का जी। क्या मामला है, क्या कुछ आप लोग की मांग है, और कल जो हड़ताल पे जाएंगे या कब से, जब जब से हड़ताल पे जाएंगे, हाँ। उसका क्या स्वरूप है, कैसे जाना है? देखिए, हम लोग पिछले दो दिनों से काला बिला लगा करके ये संकेत दिला रहे हैं कि हमारी मांगे हैं, बहुत बड़ी मांगे नहीं हैं, कि जिस तरह से हम लोग रोज़गार कर रहे थे, आज हमें रिम्स प्रशासन के द्वारा बेरोज़गार किया जा रहा है। पेपर के माध्यम से जो पता चला है कि 28 तारीख से हम लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो मेरा कहना है एक छोटा सा ही बात कि किसी भी तरह से हम लोगों को रोज़गार दिया जाए रिम्स में, ताकि हम लोग 400 आदमी जो ये वहाँ से पलायन हो रहे हैं, बेरोज़गार हो रहे हैं, तो हम लोग को 400 लोगों का पूरा परिवार बेकार हो जाएगा, बेरोज़गारी से ग्रस्त हो जाएगा। इस कारण से हम रिम्स प्रशासन से कहते हैं कि हमें जिस तरह चल रहा था वो रोज़गार हमें देने का कष्ट करेंगे। कितने लोग प्रभावित होंगे? हमें लगता है नहीं, लगभग 400 हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लगभग 400 गार्ड ट्रॉलीमैन, और ट्रॉलीमैन की जहाँ तक बात होती है तो सारे सुरक्षाकर्मी ही ट्रॉली भी काम करते हैं और सुरक्षा भी देते हैं, कोई अलग से ट्रॉलीमैन हमारे यहाँ नहीं है। हड़ताल पे चले जाने से क्या समस्या हो सकता है? काफ़ी लोगों को परेशानी की सामना करना पड़ेगा, तो यहाँ जितने पेशेंट आते हैं आज देख रहे हैं लगातार 108 से काफ़ी पेशेंट आता है, और भी एम्बुलेंस वगैरह से आता है, तो लाइन लगी रहती है इमरजेंसी के बाहर, तो काफ़ी लोग परेशान हो जाएंगे। पेशेंट शिफ्ट करना है, उनको सीटी, एक्सरे, ये सब बहुत सारा काम होता है, प्लस गार्ड, प्लस डॉक्टर को भी परेशानी होगी, उनको PIR का कॉपी लेकर के, फाइल लेकर के, सारा गार्ड लोग इधर उधर करते हैं, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है तो सारा हमारा गार्ड ही सुविधा देते हैं, लगभग काम जो बेड में चादर तक का काम है वो हमारा गार्ड ही लगाते हैं, उनको आदेश दिया जाता है, वो मजबूरी पेट के चलते गार्ड का सुरक्षाकर्मी बेड में चादर भी लगाते हैं। नाम बता, परिचय बता। मेरा नाम चंदन हुआ और मैं रिम्स सिक्योरिटी से हूँ।